नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आपने सुना है ना पिछला एपिसोड, जिसमें राज और सुहानी की लव स्टोरी उनके फैमिली, मम्मी पापा सबको पता चल जाती है। और आगे क्या होता है ये जानना आप चाहते हो, तो चलिए सुनाते हैं अगली स्टोरी प्रेम रंग की, पार्ट नंबर 21, जंग प्यार की शुरू। अपनी बेटी की जुबान से पहली बार इतनी सारी बातें सुनकर सुहानी के मम्मी पापा दोनों ही कुछ देर के लिए खामोश से हो जाते हैं। उनको यकीन नहीं हो पाता कि ये वही सुहानी है, उनकी लाडली बेटी जिसे अभी तक छोटी बच्ची ही समझते आए हैं, आज खुद अपनी शादी की बात कर रही है। कुछ देर में ही घर का सारा माहौल टेंशन में खामोश हो जाता है। सब सोच में डूब जाते हैं, आगे करना क्या है, कौन सही है कौन गलत है। सुहानी के मम्मी पापा के लिए ये बहुत ही बड़ी बात थी कि सुहानी ने खुद अपना फैसला सबके सामने कह दिया। सुहानी के पापा, उनको तो एक बड़ा सा झटका सा लगता है। उन्होंने सोचा था मैं जहां कहूंगा वहां मेरी बेटी शादी करेगी, सबसे अच्छा लड़का खोज दूंगा। अब तो मेरी सभी इच्छाओं पर मेरी ही बेटी ने पानी फेर दिया। क्या कहेंगे मेरे सभी परिवार वाले, रिश्तेदार, मेरे खानदान के लोग, जब उनको पता चलेगा मेरी बेटी ने अपने लिए खुद ही लड़का ढूंढ लिया है। मैंने हमेशा रीति रिवाज, नियम कानून की बात की, आज खुद मेरे घर में मेरे सामने मेरी बेटी प्यार और शादी की बात कर रही है। बाहर के लोगों को ये सब पता चलेगा तो कैसे रिएक्ट करेंगे? अब मैं लोगों के बीच कैसे जाऊंगा? मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार मेरा मजाक उड़ाएंगे। सुहानी के पापा की हालत देखकर सुहानी की मम्मी उनके पास जाती है और कहती है, क्यों आप इन सब बातों को दिल पे लगा रहे हो? कितने सारे लोग हैं जो अपनी मर्जी से शादी करते हैं और उनका संसार भी सुखी होता है, क्योंकि उनमें प्यार होता है। हम लोगों को सिर्फ आशीर्वाद देना है, हमें अपनी बेटी की भावनाओं की कदर करनी चाहिए, वरना वो टूट जाएगी। मैं अपनी फूल सी बच्ची को मुरझाते हुए नहीं देख सकती। आप नहीं चाहते क्या आपकी बेटी खुश रहे और हमेशा खुश रहे? उसकी खुशी में तो हमारी खुशी है ना। लोगों की बातों पर ध्यान देकर हम अपनी बेटी की खुशियां क्यों छीन ले? दुनिया वाले तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, तो क्या उनकी बातों में आकर हम अपनी बेटी को जिंदगी भर के लिए आंसुओं की सौगात दे और उसको आंसुओं के साथ जीने को मजबूर कर दे? सुहानी के पापा कुछ कहे बिना वहां से उठकर दूसरे रूम में चले जाते हैं और कहते हैं, प्लीज मुझे अभी कुछ भी बात नहीं करनी, अभी ये टॉपिक यहीं पर बंद कर दो। उनको जाते देख सुहानी को भी बहुत दर्द होता है। उसे समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। आज मैंने पहली बार अपने पापा को दर्द दिया है, आज मेरी वजह से पापा इतने सैड है, क्या मैं उनको यही हालत में छोड़कर अपनी खुशी की बात कर सकती हूँ? मन में कृष्णा जी की प्रार्थना करते हुए आंखों में आंसू लिए सुहानी कहती है, मुझे मेरी खुशियां, सुख मेरे फैमिली को दुख दर्द देकर हासिल नहीं करना है।
मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मेरे मम्मी पापा, मेरे सारे परिवार वाले मुझे खुशी खुशी राज के साथ शादी करने के लिए आशीर्वाद दे। तभी मेरा जीवन प्यार और खुशियों से सजकर खूबसूरत बन सकता है। वरना जो दुख का रंग सबके चेहरे पर है, उस रंग ने मेरे प्यार के रंग को भी धुंधला कर दिया है। आज सुहानी वहां से उठकर बेडरूम चली जाती है। उसकी हालत देख पूजा उसके साथ जाती है। सुहानी बहुत रोने लगती है। उसको समझाते हुए पूजा को भी रोना आ जाता है। सुहानी बोलती है, देखो ना पूजा, मेरे पापा की हालत कैसी हो गई। जैसे मैंने बहुत कुछ गलत किया है, उनको देखकर मुझे ऐसे लगने लगा है जैसे मैं कोई गुनहगार हूं। मैंने आज अपनी बातों से सबका दिल दुखाया, अब मैं सबको कैसे समझाऊं? क्या पापा मुझसे बात करेंगे? अभी मुझे माफ करेंगे? क्या मैं अब उन सबकी नजरों से नजरें मिला पाऊंगी? मेरे लिए मेरे मम्मी पापा भी उतने ही जरूरी है जितना कि मुझे मेरा प्यार। उनमें से एक को कभी नहीं चुन सकती मैं। ये जिंदगी कौन सा रंग मुझे दिखाने लगी है? मेरे अपने ही मुझे पराया समझने लगे हैं। क्यों नहीं पापा ने कहा, ठीक है बिटिया, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे फैसले की कदर करता हूं। क्यों नहीं कहा पापा ने, तेरी खुशी में मेरी खुशी है, क्यों नहीं कहा? बचपन से लेकर अब तक उनकी हर बात मैंने मानी है। बस एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात वो मान जाते थे, मेरे प्यार की फीलिंग की कदर करते। क्यों उनको अपनी बेटी पर विश्वास नहीं? उनको बेटी से ज्यादा बाहर के लोगों की फिक्र क्यों है? तब सुहानी को समझाते हुए पूजा कहती है, अरे इतनी जल्दी भी मत कर, उनको थोड़ा सोचने का वक्त भी तो देना चाहिए। ये सब बातें जल्दी जल्दी में नहीं होती है, हर किसी को सोचने का मौका भी तो देना चाहिए। वो तुम्हारे पापा है, उनकी फिक्र जायज है, उन्होंने राज को भी तो नहीं देखा है, उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं, फट से हाँ कैसे कह सकते हैं? तुम्हारी जिंदगी का सवाल है ये, और तुम ये क्यों सोच रही हो सब कुछ गलत ही होगा? ये भी तो हो सकता है पापा मान जाएंगे, खुद तुमसे बात करेंगे, खुद आएंगे पास तुम्हारे। ये सुनकर सुहानी के चेहरे पर सुकून सा आ जाता है। वो पूजा से कहती है, हाँ पूजा तुम सही कह रही हो, मम्मी पापा हमेशा से अपने बच्चों की खुशियां ही चाहते हैं, तो इस बार भी वो सही फैसला ले लेंगे। फिर भी मुझे ना बहुत बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है। डिनर का टाइम होता है, लेकिन फिर भी किसी का मन नहीं होता। दूसरे दिन मॉर्निंग सुहानी और पूजा जॉब के लिए रेडी हो जाती है, और उनके मन में अभी भी डर यही होता है, क्या पता पापा ये कह दे कि आज से जॉब जाना बंद, चुपचाप घर में बैठ जाओ। लेकिन पापा कुछ भी नहीं कहते, तो सुहानी खुद अपने पापा से बात करना चाहती है, लेकिन वो कोई बात नहीं करते। तब वो पूछती है, पापा क्या हम जॉब के लिए जा सकते हैं? तब सिर हिलाकर हाँ बोल देते हैं। दोनों घर से बाहर निकलती है।
दोनों का बिल्कुल मन नहीं होता, लेकिन फिर भी ऑफिस में जाती है। इवनिंग को घर आने को निकलती है, तभी सामने से राज भी आ जाता है। दोनों को कार में बैठने को कहता है। अब दोनों को मैं घर छोड़ देता हूँ, चलो। पता नहीं वो सर फिरा फिर से ना कोई प्रॉब्लम कर दे। दोनों चुपचाप वही खड़ी रहती है। तब वो सुहानी से पूछता है, क्या हुआ जान, तुम इतने उदास क्यों हो? सुहानी सारी बातें बता देती है। तब राज कहता है, अरे इसमें टेंशन की कौन सी बात है? तुमने जो किया बहुत ही बड़ा काम किया, जो अपने घर में सब कुछ बता दिया। तुम्हारे पापा भी मान जाएंगे, उनको भी थोड़ा वक्त देना जरूरी है ना। सब कुछ सही हो जाएगा, इतने टेंशन की कोई बात ही नहीं है। चलो तुम दोनों को मैं घर तक छोड़ देता हूँ। तब सुहानी कहती है, नहीं हम ऑटो से चले जाएंगे, घर में बहुत सारा टेंशन है। अगर फिर से सब आपके साथ हमें देख लेंगे तो पता नहीं क्या हो सकता है। वैसे भी हमें कोई डराने वाला सामने आया है ना कॉल आया है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब तक सब सही ना हो जाए प्लीज राज मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, ना बात करने की कोशिश करना। सुहानी की ये बात सुनकर राज हैरान और उदास होकर कहता है, ये क्या मेरी सुन परी, तुम इस तरह से बात कर रही हो जैसे मैं कोई अजनबी हूं। प्लीज ऐसी बातें तो मजाक में भी मत करना, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। तुम कोई और मजाक कर लो, लेकिन ये नहीं। ये क्या कह रही हो, मैं तुमसे बात ना करूं, तुमसे ना मिलने आऊं, तुम्हें हुआ क्या है? जब वो सुहानी की आंखों में देखता है, तब उसे सिर्फ दर्द और आंसू नजर आते हैं। उसके आंसू अपने हाथों से पोंछकर उसे वो बाहों में भर लेता है। कुछ पल तक दोनों खामोश हो जाते हैं। एक दूसरे का दर्द महसूस हो तो कुछ शब्दों की जरूरत कहाँ पड़ती है। कितना सुकून, कितना आराम मिलता है दोनों के दिल को, जो लफ्जों से बयां नहीं कर पाते। वो सिर्फ महसूस किया जाता है, वो प्यार भरा एहसास जिसे अपनी जिंदगी माना, उसकी बाहों में कुछ पल ही मिल जाए, हर दर्द मिट जाता है। फिर से एक बार जिंदगी में नई उमंगे आ जाती है, और हर मुसीबत से फिर से एक बार लड़ने की पावर भी आ जाती है। प्यार शक्ति ही तो है, राज कहता है, हाँ प्यार खुद एक शक्ति है, तभी तो कितनी सारी प्रॉब्लम के बाद भी सच्चा प्यार कभी नहीं हार मानता, ना प्रेमी हारते हैं। प्रेम की शक्ति से वो लोग दुनिया से भी लड़ते हैं, और तकदीर से भी, भगवान को भी तकदीर बदलने के लिए मजबूर करते हैं। यही तो सच्चा प्यार है, सच्चे प्यार की ताकत है। हम दोनों को कमजोर नहीं होना है, अभी तो शुरुआत है, जंग अभी बाकी है। मेरी जान सुन परी, तुम सिर्फ मेरा साथ दो, अपने प्यार की तकदीर हम खुद लिखेंगे, दोनों साथ में, और हर हाल में जीत तो हमारे प्यार की होगी। जवाब में सुहानी भी कहती है, आई लव यू मेरी जान, आपने बिल्कुल सच कहा, आई लव यू राज, आई लव यू टू मच। तो दोस्तों, ये था प्रेम रंग का रंग, प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, टेंशन, सारे रंग। तो आप सिर्फ सुनते रहिए और थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा,
हम फिर आएंगे नए एपिसोड के साथ। आपके सवाल आपका टेंशन भी दूर करेंगे कि प्रेम रंग में राज और सुहानी का प्यार किस मोड़ पर जाता है। सुहानी और राज के प्रेम कहानी को क्या सबका सपोर्ट मिलता है या नहीं, उनकी शादी होती है या नहीं, बहुत सारे सवाल है ना। तो बस हमारे साथ रहिए और प्रेम रंग में, जी हाँ प्रेम रंग में रंगते रहिए।